नमस्कार, मैं विवेक आपका आइडियल कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। जो आज बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हुई है और आपके प्यार से सर का लाइव सेशन भी चलने लगा है, आपका प्यार यूं ही बना रहे तो आगे बहुत ही कुछ आपको हम प्रदान करते रहेंगे। और हमारा प्रयास यही रहेगा कि अच्छा से अच्छा पढ़ा सकें और आप लोगों का रिजल्ट अच्छा से अच्छा आए। तो बात करते हैं अब बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की, जो ऑनलाइन फॉर्म फिल किए जा रहे हैं और उनका जो एग्ज़ाम होगा वो समय मात्र 40 दिनों का रह गया है, जिसमें एक रीजनिंग का पार्ट उसमें जो है वो 50 क्वेश्चन, जो आपके रीजनिंग का पार्ट 50 क्वेश्चन आपके आते हैं और 100 मार्क्स के, यानी एक क्वेश्चन आपका 2 अंक का है। ठीक, टारगेट हमारा यही है कि हम 50 में 50 क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट करके आए, जिसमें हम आपको आज जानकारी देंगे कि न्यू पैटर्न पर आधारित जो सिलेबस है हमारा, तो हम कैसे इसको तैयार करें। प्रयास पूरा हम यही करेंगे कि पूरा सिलेबस भी आपका हो जाए और टेस्ट सीरीज भी आपको दे सके हम, बस आप मेहनत करते रहिए। तो टॉपिक में बात कर लेते हैं, जो टॉपिक इसके हैं, आपका पहला टॉपिक है वर्णमाला, पहला टॉपिक आपका वर्णमाला है, और दूसरा आपका सदृशता, और तीसरा आपका श्रृंखला, और चौथा आपका कोडिंग और डिकोडिंग, और पांचवा जो टॉपिक है आपका दिशा और दूरी, जिसमें छठा टॉपिक आपका संकेत और अंकन, यानी अंकन पद्धति। ठीक, और सातवां टॉपिक है आपका रैंकिंग और व्यवस्थितकरण, और आठवां टॉपिक है आपका कैलेंडर। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका लुप्त संख्या ज्ञात करना। ठीक है, और फिर इसके बाद आपका है घन और पासा, घन और पासा। फिर इसके बाद आपका टॉपिक है मैट्रिक्स आधारित प्रश्न, और इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है वो है आपका गणित आधारित प्रश्न, और फिर आपके बाद अगला टॉपिक आपका आता है कथन और निष्कर्ष, फिर इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है न्याय, और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है कोण की माप। ठीक, यानी कोणों की माप ज्ञात करना। ठीक, इसके बाद 17 नंबर जो टॉपिक आपका है वो है दर्पण प्रतिबिंब। ठीक, दर्पण में यानी दर्पण होगा, उसमें प्रतिबिंब यानी इमेज आपकी कैसी बनेगी। ठीक, इसके बाद आपके अगला नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका वो जो है कागज के टुकड़े और मोड़। ठीक, कागज का टुकड़ा एक ले गए, उसको कितने बार मोड़ा गया, कितने बार कितनी आकृति बनी, इस आधार पर। इसके बाद 19 नंबर आकृतियों का विचलन। ठीक, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका रक्त संबंध। ठीक है, तो इसमें आधारित प्रश्न होते हैं, जैसे कि आपको आपके बुआ के फूफा का लड़का आपसे क्या अनुसार संबंध है, इस प्रकार ऐसे प्रश्न। ठीक, 21 पदों का व्यवस्थापिका, यानी व्यवस्थापिका मतलब पदों किस तरीके से अरेंजमेंट जो होता है वो किस तरीके से पदों को व्यवस्थित करता है। 22 नंबर इसके बाद छिपी हुई आकृति। ठीक, इसके बाद आपका टॉपिक आता है वर्गीकरण, कौन सा वर्गीकरण। तो ओवरऑल आप अगर देखा जाए तो टोटल जो टॉपिक हैं इन्हीं टॉपिकों में आपसे चर्चा की जाएगी, और जो चर्चा यानी एक टॉपिक को एक दिन में ख़त्म करना,
ये हमारा टारगेट रहेगा। एक टॉपिक पे को एक दिन में ही खत्म कर देना, ये हमने संकल्प किया है कि ज़्यादा समय नहीं है हमारे पास, वक्त चूंकि कम है हमारे पास, और वक्त कम होने के कारण हमने एक यही सोचा, मेंटली हमने यही बनाई कि बस ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक में ज़्यादा समय न लगाया जाए और जितनी क्लासेस जल्दी जल्दी हो सके उतनी कराई जाएं। इसके बाद पर डे आपको टेक्स्ट भेजेगा, पर डे डेली आपको 50 क्वेश्चन डेली आपसे करवाए, डेली आपको उपलब्ध कराएं हम, यही हमारा है। बस आप मेहनत करते रहिए, और हमारा है बस यही है कि हम जितने टॉपिक लिए हैं, जितने टॉपिक हैं ये हम सुचारू रूप से डेली पर डे कराते रहें, आपको रेगुलर क्लास मिलेगी, अब क्लास में कोई बाधा नहीं आएगी, और क्लास में आने का पूरा प्रयास हमारा यही रहेगा कि हम पूरी रेगुलर क्लास लें और कोई क्लास मिस ना हो, जो कि समय हमारे पास कम है। और इसी हिसाब से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, बस आपका यूं ही प्यार बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।